एक जंगल में एक सुंदर तालाब था। उस तालाब में बहुत सारे सुंदर कमल के पौधे थे। प्रतिदिन मधुमक्खियों के एक झुंड तालाब में आ रही थी। एक दिन सुबह की बात है, वो मधुमक्खियाँ खुशी से एक फूल से दूसरे फूल की ओर उड़ रही थी और वो फूलों से शहद खा रही थी। एक मधुमक्खी को छोड़ के बाकी सभी मधुमक्खियाँ शहद खा के उड़ गई। वो मधुमक्खी शहद खाकर फूल में ही सो गई। शीघ्र ही रात हो जाता है। वो मधुमक्खी फूल के अंदर सोई रहती है। कुछ समय बाद मधुमक्खी जग गई और उसने खुद को फूल के अंदर पाया। मधुमक्खी को फूल से उड़ने का कोई रास्ता नहीं मिला और वो अंदर रोने लगी। उसी समय हाथी का एक समूह पानी पीने के लिए तालाब की ओर जा रहा था। वे तालाब में पानी से अटखेलियां कर रहे थे। पानी पीने के बाद सभी हाथी जंगल की ओर लौट रहे थे, लेकिन एक छोटा हाथी वहाँ पे रुक जाता है। वो मधुमक्खी का रोने का आवाज़ सुनता है और उसके पास जाता है। छोटा हाथी मधुमक्खी के रोने की आवाज़ को सुना और वो फूल को तोड़ के फेंक दिया। उसने मधुमक्खी को फूल के अंदर से निकाल लिया। मधुमक्खी ने हाथी को धन्यवाद कहा और दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।